खलारी अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज के द्वारा खलारी के बाजारों में कोविड-19 के नियमों के आलोक में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीआई कुमार सत्यम भारद्वाज ने केडी मुख्य बाजार, प्रगति मार्केट, शिवपुरी कॉलोनी सहित अन्य जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान उन्होंने बिना मास्क पहने दुकान संचालकों एवं ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने को कहा। साथ ही कड़ी चेतावनी देते हुए हिदायत भी दी कि अगली बार बिना मास्क पहने पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सीआई ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि केडी बाजार में लोग कोविड-19 के बचाव को लेकर जारी सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद बाजार का निरीक्षण किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आगे भी लोगों को उल्लंघन करते पाया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे समय में नहीं सब चलेगा। वो भी डेल्टा में आने वाला है। एक एक स्टाफ में मास्टर स्टाफ को भी रखिए। हाँ ठीक कर लिया किया था। ठीक नहीं मास्टर लोग क्या नहीं करो। आज काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि केडी बाजार में लोग कोविड-19 के लिए निर्धारित जो नियम है, जो बचाव के उपाय हैं, उसके उल्लंघन करते हुए पाए जाने की शिकायत थी। इस शिकायत के बाद मैं आज घूमा हूँ। मेरे साथ खलारी थाना के एएसआई पंकज यादव और अन्य स्टाफ भी थे, और मैंने पाया भी कि काफ़ी लोग जो है बिना मास्क के अपने दुकानों में थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो सारे लोगों को पूरे एक एक दुकान पर हम लोगों ने जाकर के लोगों को आज आगाह किया है, और आज अंतिम चेतावनी भी मैंने दी है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने घूमा था और लोगों को कहा था। तो आज यह लास्ट चेतावनी दी गई है, और आज के बाद यदि ऐसा करते हुए लोग पाए जाएंगे तो हम लोग कड़ा कदम उठाएंगे। उनके विरुद्ध में हम लोग FIR भी लॉन्च कर सकते हैं, उनको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, दुकान भी सील किया जा सकता है, या ये तीनों चीज़ हम लोग उनके विरुद्ध में कर सकते हैं। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ले।